दोस्तों, अगर आप पहली बार एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, 2023 में भूटान के सारे रूल चेंज हो गए हैं। भूटान जाने से पहले ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत से भूटान कैसे पहुँचे, भूटान सोलो ट्रेवलिंग करना सही रहेगा या फिर ग्रुप में जाना सही रहेगा, भूटान जाने के लिए परमिट कैसे मिलेगा, भूटान में सिम कार्ड कैसे लें, भूटान में खाने पीने और रहने की कैसे करें, भूटान में कहां कहां घूमना चाहिए और भूटान जाने के लिए आपको कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि भूटान जाने में कुल खर्चा कितना आएगा। तो सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं जिससे कि आपको भूटान जाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो सके। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अमारा ब्लॉग्स। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भारत से ट्रेन पकड़कर भूटान कैसे पहुंचे। दोस्तों, ट्रेन के माध्यम से भूटान जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य से नई जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन पकड़ना होगा। नई जलपाईगुड़ी पहुँचने के बाद आपको वहाँ से हाशीमारा के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। हाशीमारा रेलवे स्टेशन नई जलपाईगुड़ी से करीब 125 से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हाशीमारा रेलवे स्टेशन पर डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो पुरानी दिल्ली से ट्रेन नंबर 15484 रोजाना चलती है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन से गुजरते हुए पटना पहुंचती है। उसके बाद आपको ले जाकर हाशीमारा रेलवे स्टेशन पर उतार देगी। हाशीमारा रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको जयगांव और फुंट सोलिंग भूटान की सीमा के पास जाना होता है, जो हाशीमारा रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है और इससे केवल 30 मिनट का समय लगता है इसको पूरा करने में। हाशीमारा से आपको जयगांव जाने के लिए ऑटो रिक्शा, शेयरिंग जीप या टैक्सी जैसे कई सारे विकल्प मिल जाएंगे। अगर आप एक ऑटो रिक्शा लेकर जाते हैं तो 120 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो आप 40 से 50 रुपए प्रति व्यक्ति आपको देना पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेकर जाते हैं तो आपको 400 रुपए देना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्लाइट से भूटान कैसे पहुंचे। दोस्तों, अगर आप हवाई जहाज से भूटान जाना चाहते हैं तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़कर भूटान के पारो एयरपोर्ट पर आप जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों से बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से आपको फुंट सोलिंग जाना पड़ता है, जिसके बीच की दूरी 164 किलोमीटर है। इस दूरी को आप टैक्सी और जीप के माध्यम से आसानी से 4 घंटे के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार हम किसी तरह जयगांव पहुंच गए। जयगांव पहुंचने के बाद आप वहीं पर रात को किसी होटल में ठहर जाएं। दोस्तों, सोने से पहले अगर भूटान के बॉर्डर फुंट सेलिंग में आप घूमना चाहते हैं तो आप फ्री में घूम सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 रुपए का टिकट मिलेगा और आप आसानी के साथ फुंट सोलिंग में रात के 10 बजे तक घूम सकते हैं। उसके बाद अगर आप 12 घंटे से ज्यादा घूमते हैं तो आपको 120 रुपए के हिसाब से फाइन भी देना पड़ सकता है, और अगले दिन सुबह 8 बजे से ही भूटान बॉर्डर को क्रॉस करके फुंट सोलिंग के इमिग्रेशन ऑफिस में आप चले जाएं और वहां जाकर आप अपना परमिट बनवा लें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि भूटान शहर के अंदर जाने के लिए भूटान का परमिट कैसे बनवाएं। दोस्तों, फुंट सोलिंग तक आप बिना परमिट के घूम सकते हैं, लेकिन फुंट सोलिंग के आगे जाने के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। दोस्तों, अब 2023 में भूटान में आपको घूमने के लिए एक ट्रेवल गाइड करना कंपलसरी हो गया है, जिसका चार्ज एक दिन का 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होता है। परमिट लेने से पहले आप किसी ट्रेवल एजेंसी से एक गाइड बुक कर लेना है, उसके बाद आपका सारा काम आपका टूर गाइड करेगा। दोस्तों, परमिट बनवाने के लिए यहाँ पर आपको एक फॉर्म भूटान के फुंट सोलिंग शहर के इमिग्रेशन ऑफिस के पास में ही मिल जाएगा, जिसे आप फिलअप करने के बाद वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट और होटल के कंफर्मेशन के साथ जीरोक्स कॉपी के साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो को परमिट के फॉर्म के साथ ऑफिस में आपका ट्रेवल गाइड ले जाकर दे देगा। इन सभी चीजों को गेट पर चेक करने के बाद आपसे ये सारे जीरोक्स डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा, और वहीं पर आपको 1200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा, और अगर आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं है तो 500 रुपए
आपको ट्रेवल इंश्योरेंस का भी लिया जाएगा। 1 से 2 घंटे इंतजार करने के बाद आपको आपका परमिट मिल जाएगा। दोस्तों, परमिट बनवाने से पहले भूटान जाने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट लेकर ही भूटान जाएं, क्योंकि भूटान में वोटर आईडी कार्ड से ज्यादा आपको पासपोर्ट की मान्यता दी जाती है। भूटान जाने पर आप अपने साथ 6 से 8 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लें, क्योंकि भूटान का परमिट बनवाते समय 1 या 1 से 2 रंगीन पासपोर्ट फोटो की जरूरत होती है। दोस्तों, भूटान जाने से पहले आप भूटान के टूर प्लान को बना लें, क्योंकि आप कितने दिन तक भूटान में रहना है, आपको भूटान में किन किन जगहों पर विजिट करना है। भूटान का परमिट बनवाने के लिए आपको कम से कम 1 दिन के लिए भूटान में कोई होटल भी बुक करना पड़ेगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस होटल का पैसा भी होटल बुक करते समय ही देना होगा, क्योंकि परमिट बनवाने के लिए होटल की बुकिंग का 1 जीरोक्स कॉपी भी लगता है, जो कि आपके पास होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके साथ आपका कोई 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा भूटान की ट्रिप पर जा रहा है, तो उसके लिए आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एक सोलो ट्रेवलर हैं और भूटान ट्रिप पर सोलो जाना चाहते हैं, तो अब सोलो ट्रेवलर के लिए भूटान का टूर काफी महंगा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक गाइड बुक करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ गाइड वाले आपको पर्सनल कार से टूर कराएंगे, जिसका खर्चा बहुत ज्यादा लगने वाला है। दोस्तों, आपको फुंट सोलिंग शहर के इमिग्रेशन ऑफिस से एक अंडरटेकिंग फॉर्म लेना होगा, और उसमें लिखना होगा कि अगर भूटान में मेरे साथ कुछ भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, यहाँ की सरकार या किसी भी अथॉरिटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, यह लेटर केवल सोलो ट्रेवलर को ही लिखना पड़ता है। दोस्तों, यात्रा पर जाते समय आप अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जरूर जाएं, क्योंकि भूटान की यात्रा के समय भूटान के किसी किसी जगहों पर भूटान परमिट के अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड की जाती है। दोस्तों, परमिट बनवाने के बाद आप भूटान की राजधानी थिम्पू या फिर अपने प्लान के अनुसार भूटान के किसी अन्य पर्यटन स्थल को विजिट करने के लिए जा सकते हैं। फुंट सोलिंग से थिम्पू जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध होती है। But since you are in Jaghol, so that is why I just gave you just a handshake, you know, just to welcome you in Jaghol. Your first day tour in Bhutan, let me welcome you, okay? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फुंट सोलिंग में ही आपको भूटान का सिम मिल जाएगा। दोस्तों, भूटान में आपको बी मोबाइल और तासी सेल कंपनी का सिम मिल जाएगा। बी मोबाइल एक गवर्नमेंट कंपनी है और तासी सेल एक प्राइवेट कंपनी है। आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी का सिम बॉर्डर पर ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से बी मोबाइल का सिम लेना चाहिए, जिसका कॉस्ट आपको 200 रुपए से लेकर 250 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको 1 GB इंटरनेट भी यूज करने के लिए जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर आप बॉर्डर पर ही भूटान की करेंसी में मनी कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो इंडिया और भूटान की करेंसी बराबर है, तो आप भूटान के बॉर्डर पर ही अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फुंट सोलिंग से थिम्पू कैसे जाएं। दोस्तों, अगर आप फुंट सोलिंग सीमा से थिम्पू जाना चाहते हैं, तो जो भी आपका टूर गाइड होगा वो अपने एजेंसी की कार से आपको पूरा थिम्पू और पारो घुमा देगा। We have a music system which we have to connect to the Bluetooth. Dinner is at hotel on yes. दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रेवल गाइड बुक करने से पहले उसका रेट और उसकी कार का किराया जरूर पूछ लें। दोस्तों, 1 दिन के हिसाब से 1200 रुपए टूर गाइड का और 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के हिसाब से कार का चार्ज लिया जाता है। They have to bring their permit, which is either passport or voter ID. And for the Westerners, they have to pay $65 per day as a tax to the government. But after COVID, with this new reform, Westerners, they have to pay $200 per night. That is just a tax to the government. Nothing is inclusive in that. For their accommodation, transportation, guiding, fooding. लेकिन अगर आप ट्रेवल एजेंट के माध्यम से यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी समस्या नहीं है, आप अपने दम पर यात्रा कर सकते हैं। फुंट सोलिंग में परमिट कार्यालय के बाहर आपको बहुत सारे कैब टैक्सी ड्राइवर मिल जाएंगे, और उनमें से कुछ आपसे डायरेक्ट आकर संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थिम्पू या पारो तक पहुंचने के लिए कैब टैक्सी लेते हैं, तो आमतौर पर 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच टैक्सी ड्राइवर आपसे चार्ज करते हैं। आप सौदेबाजी करने की कोशिश करें, आप ये दिखाएं कि आप इतना भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं।
दोस्तों फुंड सोलिंग सीमा से थिम्पू पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से लगभग 164 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना पड़ता है। वहीं अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो बस का किराया 250 रुपए है, लेकिन बस आपको दिन के 2 बजे के बाद ही मिलेगी। माय नेम इज दिलीप जॉनसन, फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन कॉल मी चीची। सो ऑन बिहाफ ऑफ आवर टूर ऑपरेटर एंड मायसेल्फ एंड आवर शोफर अतचिनी हियर, वी वुड लाइक टू वेलकम यू गाइस टू भूटान जंबल एक्सपो। चलिए दोस्तों बात करते हैं खाने पीने और रहने की व्यवस्था कैसे करें। दोस्तों भूटान में ठहरना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने बजट का होटल आप ढूंढ सकते हैं। आपको सड़क पर उतरना होगा और हर कोने में जाकर आपको सर्च करना होगा। दोस्तों जब आप पहले दिन जयगांव में आए थे तो आप साहू सेवा ट्रस्ट जा सकते हैं, यहाँ के रूम और टॉयलेट साफ सुथरे होते हैं। इसके लिए आपको एक रात का किराया 2 लोगों के लिए 300 रुपए देना पड़ता है। दोस्तों थिम्पू में आपके लिए होटल आपका टूर गाइड बुक कर देगा, लेकिन होटल बुक करने से पहले आप अपना बजट उसको जरूर बता दे कि हमारा इतने तक का ही बजट है, आप इस हिसाब से होटल बुक करें। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आप पारो में होटल लेना चाहते हैं तो आप होटल लैटिन में जा सकते हैं। यहाँ पर एक रात रुकने के लिए 700 रुपए लेते हैं, जिसमें आपको डबल बेड टीवी मिलती है। यह होटल इस जगह पर सभी होटलों के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडियन फूड रेस्टोरेंट भी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों भूटान में नॉन वेज खाना हर कोने में आपको मिल जाता है, वैसे वेजिटेरियन फूड मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं तो इसको ढूंढने में आपको काफी समय लग सकता है। दोस्तों इसके साथ अगर आप शराब के बहुत शौकीन हैं तो आपको हर जगह हर शॉप पर आपको शराब सस्ती मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इस कंट्री में स्मोकिंग हर जगह हर लोकेशन पर करना बैन है। दोस्तों आपका एक दिन में भूटान में खाना खाने के लिए 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि भूटान में यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। दोस्तों हमारे कैब ड्राइवर ने हमें बताया कि मार्च से मई तक और फिर सितंबर से नवंबर तक भूटान घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। बाकी महीनों में पर्यटकों की संख्या अधिक नहीं होती है, तो आप अपना टूर प्लान इस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कहां कहां घूमें। दोस्तों भूटान जाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 दिन का टूर प्लान जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों पहले दिन आपको हासीमारा रेलवे स्टेशन से भूटान की थिम्पू जाना चाहिए। थिम्पू पहुंचने के बाद थिम्पू के लोकल जगहों को घूमना चाहिए। सबसे पहले आपको मेमोरियल चार्टन जाना चाहिए। दोस्तों यह मेमोरियल चार्टन भूटान के तीसरे राजा के सम्मान में बनाया गया था, यह एक स्मारक है। छोटेन इज अ टर्म डेराइव्ड इन आवर लैंग्वेज, छोटेन मींस इट्स अ टेंपल एक्चुअली। दोस्तों उसके बाद आपको बुद्ध पॉइंट जाना चाहिए, क्योंकि यह भूटान की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी प्रतिमा है। दोस्तों थिम्पू में 7 से 8 जगह ऐसी जगह है जहां पर आपको एक बार जरूर घूमने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद शाम का खाना खाने के बाद आप यहां के थिम्पू के नाइट लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं और अगले दिन आप थिम्पू के बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों तीसरे दिन आपको थिम्पू से पुनाखा जाना चाहिए। पुनाखा घूमने के बाद आपको पारो घाटी जाना चाहिए। दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 दिन थिम्पू में रुकना चाहिए और उसके बाद आपको 1 से 2 दिन आपको में रुकना चाहिए। दोस्तों एक बार जब आप भूटान बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे तो जो आपका टूर गाइड है आपके पास कितना समय है आप अपना समय उसको बता दीजिए, वो उसी हिसाब से आपका जो टूर प्लान है पूरा तैयार कर देगा। अगर आप 4 से 5 दिन रुकना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन बता दीजिए, अगर आप उससे ज्यादा रुक सकते हैं 7 दिन रुक सकते हैं तो आप 7 दिन का टूर प्लान उससे आप बनवा सकते हैं।
चलिए दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि भूटान की यात्रा करने में कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों 2022 में भूटान में घूमना बहुत ही आसान था। आप अपना 5 दिन का टूर 5,000 से 7,000 रुपए में आसानी के साथ कर सकते थे, लेकिन 2023 में कोरोना वायरस के बाद भूटान इमिग्रेशन में बदलाव हुआ, जिससे अब भूटान घूमना बहुत ही महंगा हो गया है। दोस्तों अब आपको लगभग 15,000 से 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे अगर आप ग्रुप टूर में यात्रा कर रहे हैं तब। वहीं अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो यह खर्चा 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक पड़ सकता है। दोस्तों भूटान में ट्रेवल चार्ज बढ़ने की वजह से भारत सरकार ने भी इस पर आपत्ति जताई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भूटान ने जो किया क्या वह सही है, हमें कमेंट कर बताएं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप भूटान यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।